उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले चरण के नामांकन की प्रक्रिया में सोमवार को फतेहपुर सीकरी से भाजपा के प्रत्याशी व पूर्व सांसद चौधरी बाबूलाल ने नामांकन किया है। इस दौरान चौधरी बाबूलाल के साथ फतेहपुर सीकरी के सांसद राजकुमार चाहर और तमाम भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। फतेहपुर सीकरी के मौजूदा विधायक और राज्य मंत्री चौधरी उदयवान सिंह का टिकट काट दिया गया। इस सीट पर दर्जनों प्रत्याशी दावेदार थे, लेकिन भाजपा ने फतेहपुर सीकरी से पूर्व सांसद व पूर्व मंत्री चौधरी बाबूलाल पर भरोसा जताकर प्रत्याशी बनाए। चौधरी बाबूलाल के प्रत्याशी बनाए जाने से फतेहपुर सीकरी विधानसभा क्षेत्र के भाजपाइयों में नाराजगी। भीतरघात के बचने के लिए भाजपा ने डैमेज कंट्रोल शुरू कर दिया। इस बारे में मीडिया से रूबरू होते हुए चौधरी बाबूलाल ने कहा कि जो लोग नाराज हैं मैं उन्हें मना रहा हूं, उनसे बातचीत कर रहा हूं, उनसे मिल रहा हूं। मैं विकास के नाम पर चुनावी मैदान में लोगों से वोट मांगूंगा। मेरी प्राथमिकता है कि फतेहपुर सीकरी की पेयजल और सिंचाई की समस्या है। इसके साथ ही क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए मैं काम करूंगा। मेरी जीत लगभग 200% पक्की है। किया है, जीत को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? जीत में कोई शंका नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का हम लोग कार्यकर्ता है, 200% जीतेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। बीजेपी लगातार देखने में आ रहा है कि कई तमाम ऐसे प्रत्याशी हैं जिनका बीजेपी के जो कार्यकर्ता है, जो मंडल अध्यक्ष है, वही विरोध कर रहे हैं, तो ऐसे में विपक्ष से ज्यादा अपनों से नहीं लगता? नहीं, अपनों से कोई लड़ाई नहीं है। अपन लोगों को के लिए घर जा जा करके हम लोगों ने मनाया, सबके साथ बैठे, सबके साथ चाय पिए, जो जितने भी है सबके पास गए हम लोग। क्या क्या कुछ इस बार खास मुद्दे रहेंगे? मेन मुद्दा भारतीय जनता पार्टी का हमारा कोई अलग नहीं है, मेन मुद्दा विकास है। खासतौर से फतेहपुर सीकरी इलाके में जो पेयजल की समस्या है उसको सब लोग मिलकर के उसका समाधान कराने की हम लोग कोशिश करेंगे।